योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको। नहीं होगी तो फिर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बात करना प्रारंभ करेगा, और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि जब योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है तो तब फिर हम लोग दूसरे ही मुद्दों को उठाते हुए देखते हैं, और फिर जो अभीष्ट होता है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इसी बात को कहना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं चली हैं और चल रही हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं तो यहां पर महिला आयोग के लिए बहुत कार्य है, और जागरूकता के इन कार्यक्रमों के साथ वे अगर स्वयं जुड़ जाएं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ सकती है, और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जो प्रश्न कभी कभी खड़े होते हैं इन पर स्वयं विराम लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, एक औपचारिकता नहीं कि हम दौरा करेंगे, जिले में जाएंगे, डीएम को बुलवा देंगे, फलाने को बुला देंगे, फलाने को कार्य से हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम जाकर के हर जिले में भी, हर विकास खंड स्तर पर भी, हर नगर निकाय के स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर क्या महिलाओं की एक टीम गठित कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और महिला जागरूकता के बारे में वहां पर स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक कर सके। स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक परिवार के पास एक एक शौचालय हो, इस स्वास्थ्य के लिए जहां महत्वपूर्ण था वही यह नारी गरिमा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था, और इस कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण लागू करने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन क्या महिला आयोग इसके बारे में बताएगा कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में उनकी भूमिका क्या थी? क्योंकि नारी गरिमा के साथ जब ये मुद्दा जुड़ता है, उज्ज्वला योजना में जब एक नारी जिसके पास अपने घर में ईंधन जलाने के लिए कोई माध्यम नहीं, वह केरोसिन पर, लकड़ी पर या फिर किसी अन्य ऐसे विकल्प पर जो न केवल उसके स्वास्थ्य के लिए बल्कि उसकी आंखों की रोशनी के लिए भी खतरनाक है, उस पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होती थी, उन स्थितियों में महिला आयोग का दायित्व बनता था और बनता है कि हम उज्ज्वला योजना के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में और इनसे जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके व्यापक प्रचार प्रसार करके प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में जागरूक करें, और फिर उन्हीं से समिति गठित करके उन्हीं लोगों को आगे करते हुए जिसको मिल गया उसका प्रचार प्रसार करें, जिसको नहीं मिला उसको योजना का लाभ दिलाने की दिशा में प्रयास करना है। उत्तर प्रदेश में 1090 वीमेन पावर लाइन है, इसमें कोई भी महिला प्रदेश के अंदर कहीं भी अगर इस पर कॉल करती है तो एक कॉल सेंटर उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। हमने इंटीग्रेट किया है 1090 को पीआरबी 112 के साथ, कि अगर वह 1090 पे या 112 पे भी कॉल करें तो उसको तत्काल सहायता कहीं भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन मैंने जब एक वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की तो मुझे पता लगा कि केवल 5 ही जिले हमारे ऐसे हैं, 75 में से केवल 5 जिले जहां से 90% से अधिक मामले आए थे, शेष 70 जनपदों में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। आखिर महिला आयोग क्या कर रहा है? क्यों नहीं वहां पर उन महिलाओं को अवगत कराते कि 1090 वीमेन पावर लाइन है और इसके माध्यम से अगर हम कॉल फ्री नंबर को डायल करते हैं तो आपको सहायता वहां पर उपलब्ध होती है, उस जनपद में सहायता उपलब्ध होती है। या घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामलों में 181 टोल फ्री नंबर जारी किया गया, एक हेल्पलाइन जारी की गई। घरेलू हिंसा के मामले हैं तो घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में इस पे कॉल करेंगे, हमने 181 1090
PRB 1112, इन सबको भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके इस बात को दिखाने, इस बात को किया कि अगर इनमें से किसी एक पर भी कॉल होता है तो वह एक दूसरे तक पहुंचती है और उसको तत्काल सहायता उपलब्ध हो सके। और पहला दायित्व तो ये जितने भी महिलाओं से संबंधित ये पावर लाइन है या हेल्पलाइन है या अन्य जो योजनाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनसे संबंधित इनकी जानकारी होना, इनके बारे में उनको अवगत कराना। दूसरा, बालक और बालिकाओं का जो अनुपात कम हो रहा था, मुखबिर योजना एक चलाई गई है। मुखबिर योजना के माध्यम से हम उन लोगों को बता सकें, उन लोगों के माध्यम से जहां पर भ्रूण परीक्षण के माध्यम से पेट में ही बालिका को मार दिया जाता है और जो ये पाप होता है उस पाप में कौन लोग लिप्त हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना, बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की परीक्षण होना, उसकी रिपोर्टिंग लेना, उसकी जानकारी लेना, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। ये कार्यक्रम अगर आगे बढ़ते हैं तो अच्छे ढंग से हम महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं या जो अनुपात में विषमता रही थी, इस अनुपात को दूर करने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन ने जो सफलता प्राप्त की, इसके साथ हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं के बीच में भेदभाव ना हो, हम लोग इस बात को देखते थे। मैं प्रदेश के अंदर अक्सर भ्रमण के कार्यक्रमों में किसी न किसी जनपद में जाता हूं और मैं इस बात को देखता था। मैं एक बार एक गांव में गया था, मैं देख रहा था बच्चे जा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैंने देखा कि बालक भी थे बालिकाएं भी थी, छोटी छोटी बालिकाएं थी, वे नंगे पैर स्कूल में जा रही थी। मैं गाड़ी से उतर के मैंने पूछा उनको, मैंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा स्कूल जा रही है, मैंने कहा आपके पैर में चप्पल नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, कपड़े बहुत पुराने थे। तो मैंने उन बालिकाओं से पूछा, मैंने कहा आखिर चप्पल आपके पास परिवार में कहीं सुविधा नहीं है, और मैंने कहा आपका भाई वगैरह कोई है, उन्होंने कहा भाई है, भाई को किसी पब्लिक स्कूल, दो से एक पब्लिक स्कूल का नाम लिया, भाई का वहां एडमिशन है। तो मैंने कहा कि आपका एडमिशन वहां क्यों नहीं हुआ, कहा मैं लड़की हूं ना। ये प्रश्न आखिर किसी माँ ने और किसी पिता ने ही अपनी बेटी को भेजा होगा कि अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे बेटी को नहीं भेजेंगे, बेटे के लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगे बेटी के लिए नहीं बनाएंगे। और मैंने उसी दिन तय किया कि हम प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, इसके पाठ्यक्रम को बदलेंगे और NCERT का पाठ्यक्रम हम बेसिक शिक्षा परिषद में भी लागू करेंगे, माध्यमिक शिक्षा में भी लागू करेंगे, जो शिक्षा के भेदभाव को बालक और बालिकाओं के बीच में समाप्त कर सके। और उस कार्यक्रम को हमने उसी दिन लागू किया। दूसरा, उसी दिन हमने अनिवार्य रूप से किया कि हम बेसिक शिक्षा परिषद में 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को 2 अच्छी यूनिफॉर्म देंगे, जूते मोजे भी देंगे, स्वेटर भी देंगे, बैग और बुक्स भी देंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार 1,80,00,000 बालक और बालिकाओं को ये सुविधा पिछले 3 वर्ष से निरंतर उपलब्ध करवा रही है। भेदभाव की शुरुआत तो हमारे घर से प्रारंभ हो रही है कि जो हम बालक और बालिकाओं में भेद कर रहे हैं, और वह भेदभाव अगर वहां पर समाप्त हो जाए, हर एक व्यक्ति इसके बारे में, हर एक मां इसके बारे में जागरूक हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से पहले चरण में हम महिला सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाने में सफलता हमें प्राप्त हो सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार 1,80,00,000 उन बालक और बालिकाओं को निःशुल्क ये सुविधाएं प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दिलवाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही बालिकाओं को स्नातक तक की शिक्षा हम फ्री में दे सकें, इस पर हम लोगों ने कार्रवाई की। प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदेश सरकार ने बनाने प्रारंभ किए और इसमें 74 कोर्ट पास्को से संबंधित हैं।